नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अभी तक आपने माता के मंदिर में फल, फूल, चुनरी, नारियल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया होगा, लेकिन आज धर्म की इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे देवी के ऐसे धाम के जहां गेहूं चावल चढ़ाकर भक्त मांगते हैं मुराद। सबसे पहले बात इंदौर में मौजूद माता यशोदा मंदिर की, जहां गेहूं चावल से की जाती है माता की गोद भराई और बदले में मां भर देती है भक्तों की सूनी गोद। गेहूं से भरी जाती है गोद, चावल दिखाता है चमत्कार, कीजिए माँ यशोदा की गोद भराई। हर इच्छा होगी पल भर में पूरी, बिल्कुल सही सुना और देखा आपने। यहाँ पूजी जाती है माँ यशोदा, यहाँ की जाती है माँ की गोद भराई। यकीना हो तो देखें इन तस्वीरों को, अपनी बारी का इंतजार करते इन श्रद्धालुओं को, हाथों में सजी पूजा की इन थालियों को, क्योंकि यहाँ कतार में लगकर महिलाएं घंटों इंतजार करती हैं ताकि माँ की पूजा की साक्षी बनकर कर सकें उनकी गोद भराई और पा सकें माँ का आशीर्वाद। इंदौर के राजवाड़ा के पास मुख्य बाजार में बना है ये मंदिर और यहाँ पूजी जाती है कान्हा की माँ यशोदा। अभी तक आपने राधा कृष्ण के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये अपनी तरह का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ कान्हा को अपने आंचल की छांव के नीचे पाल पोस कर बड़ा करने वाली ममता की मूर्ति यशोदा माता को पूजा जाता है। वैसे तो माँ सबकी सुनती है, लेकिन निसंतान महिलाओं के लिए ये मंदिर उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। कहते हैं माँ के मंदिर में आकर यदि कोई निसंतान महिला माँ की गोद भराई कर दे तो उसकी सोनी गोद भरते देर नहीं लगती। माँ की पूजा के लिए एक मुट्ठी गेहूं या चावल लेकर करनी होती है माँ की आराधना। हफ्ते 7 दिनों में गुरुवार और हर माह की नवमी को अगर यहाँ आकर विधि विधान से माँ की पूजा कर ली जाए तो घर के आंगन में नन्हे मुन्ने के किलकारी गूंजते देर नहीं लगती। और यहाँ पर राधा रुक्मणी की भी मूर्ति और कृष्ण भगवान यशोदा माता की गोद में विराजमान है। जो महिलाएं निसंतान होती हैं वो यहाँ पर अपनी मान उतारने आती हैं। वो जन्माष्टमी के दिन बहुत तादाद में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और निसंतान महिलाएं आती हैं, उनकी गोद भराई जाती है। और वैसे भी साल भर गुरुवार के दिन यहाँ गोद भराई जाती है। सुबह मैंने यशोदा माँ से उनके उनके चरणों में चावल, नारियल, उनको चुंदरी चढ़ाई है और ये कामना की है कि वो मेरी भी जैसे उनकी गोद भरी है वैसे वो मेरी भी गोद भरे। माँ यशोदा का ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना के साथ ही यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता रहा है। मंदिर में माँ की गोद में नन्हे कान्हा हैं तो साथ में खड़ी हैं राधा और रुक्मणी। यह मंदिर करीब 224 साल पुराना है। यहाँ पर जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है वो मैया से आके गोद भर के वो संतान के लिए प्रार्थना करती है, उन महिलाओं के संतान प्राप्ति होती है। कहते हैं माँ यशोदा की आराधना भक्तों को समस्त कष्टों से उबार लेती है और अपने भक्तों पर डाल देती है अपने आंचल की छाव। इतना ही नहीं, माँ यशोदा की पूजा से भक्तों को राधा कृष्ण और रुक्मणी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राहुल करैया, इंदौर आज तक। जैसलमेर में भी बना है माता का एक ऐसा ही अद्भुत मंदिर जहां भक्त गेहूं चढ़ाकर मां से अपनी मनोकामना पूरी होने की फरियाद करते हैं और जिन्हें भाटी राजपूतों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। न दूध, न दही, न लड्डू, न पेड़े, यहाँ प्रसाद में चढ़ता है गेहूं, मांग सिंदूर
गेहूं चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं देवी, करती हैं भक्तों की हर मुराद पूरी। ये प्रसाद बेहद अनोखा है, ये देवी भी बेहद अनूठी हैं, और उतना ही अनूठा है यहाँ पूजा का विधि विधान। गेहूं से भरी हुई टोकरी और इस प्रसाद को लेकर मन्नत मांगते भक्त, शक्ति की भक्ति का ऐसा नजारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस प्रसाद की कल्पना भी शायद आपने कभी नहीं की होगी। यह अनूठा मंदिर बना हुआ है जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर तेजुआ क्षेत्र में। करीब 1200 साल पुराने इस मंदिर में माँ जगदम्बा के रूप कोलरिया राय मावड़िया देवी की पूजा अर्चना की जाती है, और जहाँ भक्त गेहूँ चढ़ाकर माँ से अपनी मनोकामना पूरी होने की फरियाद करते हैं। स्थानीय भाषा में इस गेहूँ को आखा कहते हैं। 1200-1300 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पे हर टाइम यात्री वगैरह आते रहते हैं, और यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये चमत्कारी मंदिर है, दूर दूर से यात्री यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पे भेंट वगैरह चढ़ाते हैं। कोई मूर्तें चढ़ाता है, कोई छत्तर चढ़ाता है, जिसके बच्चे हो जाते हैं वो पालने चढ़ाते हैं। ये तेजुआ गांव में कोलरिया राय, जो जिन्हें हमें अपने मावड़िया डाडियों के नाम से जाना जाता है, मावड़िया डाडियों मतलब हमारी माँ के समान देवी है, जिनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर हम गेहूँ को आखा के रूप में उनको चढ़ाते हैं। उससे मेन ये होता है कि धन धान्य से हमारा घर पर ही पूर्ण रहे। मान्यता है कि जैसलमेर की स्थापना से पूर्व संवत 860 में परमार शासकों के शासनकाल में भाटी राजपूतों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जो आज भी पूरे देश में कोलरिया राय मावड़ियों डांडियों के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद से पहले गेहूं चढ़ाकर अपनी मन्नत की दुआ मांगते हैं। ये हमारी कुल देवी का है, और कुल देवी में भी ये 1200-1300 साल पुराना है और भाटी वंश से चला आ रहा है। जो इतना प्राचीन मंदिर की कुल देवी ने जो जिसने जो मांगा वो प्रदान किया है, और यहाँ आखा चढ़ाने के बाद के अंदर जो उसके हाथ में वापस गिनती करते हैं और उसके अंदर सही अंक आते हैं तो उसका काम होता ही होता है। माँ के इस दरबार में प्रतिदिन उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और दिन में दो बार होने वाली आरती का अद्भुत नजारा देखने वालों को भक्ति के रस में डुबो देता है। हर महीने की चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। कहते हैं इस दिन जो कोई भक्त यहाँ आकर सिर झुका लेता है वो कभी निराश नहीं लौटता, खुशियों से भरी रहती है उसकी झोली। कई नवविवाहित जोड़े भी आते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने। नवरात्र के दिनों में तो माता के दरबार में भक्ति का नजारा देखते ही बनता है, और जिस किसी की मुरादें पूरी होती हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ माता का श्रृंगार करवाता है। विमल भाटिया, जैसलमेर आज तक। गेहूं चावल से की जाती है माँ यशोदा की गोद भराई, तो वहीं गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर और 16 शुक्रवार का उपवास कर भक्त माँ संतोषी से करते हैं सुख समृद्धि की कामना। और इसी आस्था के साथ भक्तों के कदम बढ़ चलते हैं उज्जैन में मौजूद माँ संतोषी के दर तक। सोलह शुक्रवार का उपवास, गुड़ चने का प्रसाद, संतोषी मां भर देंगी घर बार। व्यापार में होगी तरक्की दिन रात, सूनी गोद में खेलेगी संतान। नमो देवी महा शिवाय सततं नमः। ऐसी हैं भक्तों की संतोषी माँ, महिमा ऐसी कि जितना बखान किया जाए उतना कम, ममता मई ऐसी कि इनके दरबार में आने वाला कोई भी भक्त
कभी खाली हाथ नहीं जाता। तभी तो देवी के समस्त रूपों में मां संतोषी का अपना एक अलग ही स्थान है। देश भर के मंदिरों में उज्जैन की मां संतोषी का स्थान सबसे ऊपर है। यहां मां के चमत्कार अनगिनत हैं। यहां आते वो दुखियारे भक्त जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, दुखों से निराश परेशान भक्तों को मां के दरबार में मिलती है सुखों की छाव, जिसमें थोड़ी देर ठहर कर वो जीवन भर की खुशियां ले जाते हैं। संतोषी मां के बारे में कहा जाता है कि ये गणपति की पुत्री है और ये रक्षाबंधन पर अवतरित हुई थी। कहानी उस समय की है जब शुभ और लाभ दोनों भाई रक्षाबंधन पर घूमने निकले और उन्होंने देखा कि बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं। तब दोनों भाई बापा के पास गए और कहा कि उन्हें भी राखी बंधवानी है। कहते हैं तब गणेश जी ने संतोषी मां की उत्पत्ति की, जिन्होंने शुभ और लाभ को राखी बांधी। उज्जैन के इस मंदिर में मां का फूलों से भव्य श्रृंगार किया जाता है और फिर भक्त शुरू करते हैं मां की आराधना। यहां मां का 16 शुक्रवार व्रत और पाठ करने का विधान है। पूजा के बाद 16वें शुक्रवार को लड़कों को पूजा प्रसादी करवाया जाता है। कहते हैं इस विधि विधान से पूजा करने से मां भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं और जल्द पूरी कर देती हैं उनकी मनोकामना। मां संतोषी के 16 शुक्रवार करने से वर की प्राप्ति होती है। गुड़ चढ़ा चढ़ाने से मां भगवती को मन इच्छित कामना की प्राप्ति होती है। मां के मंदिर में कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। माना जाता है कि मां सूनी गोद भरकर संतान की खुशियां दे देती हैं और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतोषी माता की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। शादी के पहले मैंने 16 शुक्रवार किए माता जी के लिए, तो उन्होंने मेरी शादी मेरे मनपसंद वर से करवाई है। और गुड़ चने का माता जी के मंदिर में बहुत महत्व है। यहाँ पर लोग गुड़ चना चढ़ाते हैं तो माता जी बहुत प्रसन्न होती है। माता को गुड़ और चने का प्रसाद बेहद लोकप्रिय है। व्रत रखने वाले माँ के भक्त इस दिन खटाई नहीं खाते और माँ के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मांगते हैं मुराद। कहते हैं ऐसा करने से रुके हुए काम सफल हो जाते हैं और खुल जाते हैं धन आगमन के नए रास्ते। और अगर किसी को परीक्षा में सफलता की दरकार हो तो उसे मंदिर की दीवार पर बनाना होता है स्वास्तिक, जिससे भक्तों की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही उनको मिल जाता है जगजननी का आशीर्वाद। संदीप कुलश्रेष्ठ, आज तक। धर्म की हमारी इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।